कुकिंग जंक्शन पे आप सबका वेलकम। आज मैं बनाऊंगी दही भल्ले खट्टी मीठी और हरी चटनी के साथ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए 250 ग्राम उड़द का दाल लिया। इसे 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था और अच्छी तरह से भीग चुका है। इसमें चाहे तो आप मूंग की दाल या चने की दाल भी मिला सकते हैं। अब इसे एक जार में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पीसना है। और ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस लिया है, इसी तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है। अब इसे 5 मिनट तक फेंट लेंगे, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और इसे सीधे हाथों से मिक्स करना, उल्टे हाथ से नहीं। और इस तरह से इसमें इसके अंदर हवा भर देना है ताकि सॉफ्ट बनकर तैयार हो दही बड़ा। इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, अदरक ये भी रफली चॉप किया हुआ है। ऐसे डालने के बाद मिला लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया गरम करने के लिए और तेल गरम हो चुका है। अब इसे छोटा छोटा हाथ से या चम्मच से लेकर इसे तल लेंगे। जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा रखना है। और इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चारों तरफ से पलटते हुए फ्राई करेंगे। एक बराबर इसका कलर आना चाहिए, बराबर से सेक जाना चाहिए। तब ये फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। एक बर्तन में कोयले का स्मोक देंगे, इससे काफ़ी दही बड़ा अच्छा बनकर तैयार होता है। और इसमें पानी डाल देंगे, 2 कप पानी डालेंगे, नमक 1/2 टीस्पून, और इसमें बड़ा डाल देंगे। 10 मिनट तक इसे रखेंगे और 10 मिनट के बाद इसे पानी में से निकाल देंगे। दही 250 ग्राम, 1/2 टीस्पून नमक, शक्कर 1 टेबलस्पून, और डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं मिक्स करना है। दही बड़ा पानी में से निकाल लेंगे, हाथों से अच्छी तरह से दबाकर इसके पानी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे अलग कर देंगे। और ये देखिए बहुत स्पंजी और सॉफ्ट बनकर दही बड़ा तैयार हुआ है। एक बर्तन में 2 कप पानी डालेंगे, 100 ग्राम खजूर, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम इमली, ऐसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। और ये अच्छी तरह से भीग चुका है, इसे हाथों से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से मलमल के इसे मिक्स करना है। ये मिक्स हो चुका है, अब इसे छान लेंगे। इसे छन्नी से छान लेंगे। पैन में घी डाल दिया है 1 टीस्पून, जीरा 1 चुटकी डालेंगे, जीरा चटक चुका है। अब इसमें गुड़ और इमली का पानी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे बराबर चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, सेंधा नमक 1/2 टीस्पून डालकर इसे और अच्छी तरह से पकाएंगे गाढ़ा होने तक। और ये पक चुका है, अब इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। एक जार में पुदीना पत्ते, 2 से 3 जावर लहसुन, अदरक 1/2 इंच, 2 हरी मिर्च और धनिया, सेंधा नमक 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, इमली का पानी, इसे 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर इमली को रख दिया था,
और इसके पानी को छानकर इसे डाल देंगे, डालकर बारीक पीस लेंगे और ये चटनी तैयार है बनकर। बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत पतला नहीं पीसना है, इस तरह का हमें चाहिए। बड़ा बनकर तैयार है। इसके ऊपर दही डालेंगे। मीठी चटनी, हरी चटनी और ये बहुत ही मज़ेदार दही भल्ला बनकर तैयार है। दही भल्ले बनकर तैयार है, इसे काट कर दिखाते हैं। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले बनकर तैयार है। तो आप इसे ज़रूर से बनाइए। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल कुकिंग जंक्शन पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।